नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। हमारी आंखें भगवान की सबसे अनमोल इनायत हैं। बिना आंखों के पूरी दुनिया सुनी है। जी हां, इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए आंखों से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन आंखों के अभाव में इस दुनिया की खूबसूरती से अनजान है। इसलिए गुरुग्राम में आहूजा आई एवं डेंटल केयर ने एक ऐसी मोबाइल वैन की शुरुआत की है जो गुरुग्राम के हर मोहल्ले में जाकर लोगों को आई डोनेट करने के बारे में जागरूक करेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या इन आंखों के बिना आप इस खूबसूरत दुनिया की कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आहूजा आई एवं डेंटल केयर आई डोनेशन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसके लिए आहूजा आई एवं डेंटल केयर ने एक मोबाइल वैन की शुरुआत की जो गुरुग्राम के हर मोहल्ले में जाकर लोगों को आई डोनेट करने के बारे में जागरूक करेगी। इसके अलावा ऐसे लोगों को उपचार भी मुहैया करवाएगी। आपको बता दें कि इस वैन में प्रशिक्षित डॉक्टरों की एक टीम होगी जो लोगों की आंखों का उपचार करने के साथ साथ उन्हें मरने के बाद आंखें डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। गुरुग्राम के आहूजा आई हॉस्पिटल में आंखों के उपचार के लिए नई टेक्नोलॉजी से लैस सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मोबाइल वैन को राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यसभा सांसद की माने तो ये हॉस्पिटल अपने आप में एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है। इसके जरिए कई योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुँचाया जा रहा है। आहूजा आई हॉस्पिटल एंड डेंटल सेंटर पे आके मैंने जो मुआयना किया और देखा कि यहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ से ये अस्पताल सुसज्जित है और आज भी आयुष्मान भारत जो एक प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना है उसमें भी इस अस्पताल ने एम्पैनलमेंट कराई है। इस योजना से 50 करोड़ हिंदुस्तानी बेनिफिट होंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कल्याण योजना है और इस अस्पताल ने भी पार्टिसिपेट उसमें किया जो कि एक अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाला हॉस्पिटल है। इससे गरीबों को, इससे आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। अस्पताल मोबाइल क्लिनिक्स के ज़रिए बाहर से भी उपचार में लगा हुआ है, खासकर डिलीवरी ऑफ एक्सीलेंट और अल्ट्रा मॉडर्न आई केयर, उसके लिए भी मैं हॉस्पिटल को मुबारकबाद देता हूँ। आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल पीएम मोदी की आयुष्मान योजना में भी भागीदारी निभा रहा है। इस योजना के जरिए उन लोगों का इलाज कराया जा रहा है जो किसी कारणवश इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। बताया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल अब तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को आई डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित कर चुका है। टेक्निकल फायदे बेसिकली जो नया ये जो फ्लेडलेस लेसिक की हम बात कर रहे हैं उसका ये है कि जो एक ड्यूरिंग द प्रोसीजर एक फ्लैप बनाने की प्रक्रिया होती है लेसिक के टाइम पे, वो फ्लैप बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस फ्लेडलेस लेसिक से सेफ है। और जो बाद में भी ऑपरेशन के बाद जैसे कि फ्लैप डिसलॉजमेंट या इस तरह की प्रॉब्लम है वो ब्लेडलेस लेसिक में नहीं होती है, जो ब्लेड वाले लेसिक में भी कम होती थी, बट ये और सेफ है, मतलब इट्स मोर सेफ। राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने आहूजा आई एवं डेंटल केयर की इस पहल की काफी सराहना की है। वहीं हॉस्पिटल की इस खूबसूरत पहल से कई लोग जो अपनी आंखों से इस दुनिया को नहीं देख सकते उनको नई आंखें मिल सकती हैं जिससे वो इस खूबसूरत दुनिया को निहार सकते हैं। गुरुग्राम से सूरज दोहन की रिपोर्ट।